दवा न लेने वाली लड़की को कड़ी सजा देने के लिए प्रिंसिपल ने सबके सामने उसे एक छोटी सी काल कोठरी में ले गई और अंदर जाने का हुक्म दिया, लेकिन लड़की ने उसे बहुत गुस्से से देखा। कोई हलचल न होते देख प्रिंसिपल ने गार्ड को बुलाने की धमकी दी, जिससे डरकर लड़की काल कोठरी में चली गई। प्रिंसिपल ने बेरहमी से लोहे का दरवाजा बंद कर दिया और प्रिंसिपल ने लड़की को चेतावनी दी, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। दूसरी तरफ सोफिया ने एक मजबूत रस्सी को छुपाकर सोने का नाटक करते हुए लेट गई। जब गार्ड किसी और लड़की को लेने आए तो उसने अवसर का लाभ उठाते हुए पीछे से एक गार्ड का गला घोट दिया और सफलतापूर्वक काल कोठरी की चाबी चुरा ली। उसने विवियन को बचाने के लिए जल्दबाजी की, लेकिन अचानक अलार्म बज गया, इसीलिए उसे वहां से भागना पड़ा। अगले दिन लड़की को रिहा कर दिया गया, लेकिन सोफिया को मृत्यु की सजा सुनाई। लेकिन आज रात लड़की चाकू लेकर गार्ड को ऊपर पहचाने का इंतजार कर रही है।